गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने लेबर अकाउंटिंग और एक्टिव अकाउंटिंग के 2020 के क्वेश्चन पेपर्स देखे थे, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक सॉल्व किए थे। उसी क्रम में आज हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 में है, लगातार एक ही कार्य में कार्यरत औद्योगिक कर्मचारियों के लिए जारी किया जाता है। 31 नंबर पे है आपका क्वेश्चन। फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर हु आर एंगेज्ड ऑन द सेम जॉब कंटिन्यूअसली इज इशूड। तो जो भी आपका इंडस्ट्रियल एम्प्लॉई है, यदि वो एक ही जॉब में कार्यरत है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, एलोकेशन सीट। एलोकेशन सीट। 32 पे है आपका क्वेश्चंस, अवकाश, वेतन, छुट्टी, ओवरटाइम बोनस, महंगाई भत्ता इत्यादि से संबंधित जो भुगतान रहेंगे के लिए लेखा कार्यालय तैयार करता है। तो लेखा कार्यालय अकाउंट जो अकाउंट ऑफिस होता है वो क्या तैयार करता है आपका, लेबर पंचिंग मीडियम। 32 नंबर पे आपका आ जाएगा लेबर पंचिंग मीडियम, ठीक ना। फॉर बुकिंग, पेमेंट, लीव पे, हॉलीडे पे, ओवरटाइम बोनस, डीएनएस अलाउंस, इन सब के लिए क्या यूज होगा आपका, अकाउंट ऑफिस क्या तैयार करता है, लेबर पंचिंग मीडिया तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33 पे, एक लेबर स्ट्रेट को तैयार किया जाता है। तो एक जो लेबर स्ट्रेट रहता है वो सेक्शन वाइज तैयार किया जाता है, जो भी प्रोडक्शन सेक्शन रहता है आपका, जहां पे आप वर्क कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका लेबर स्ट्रेट तैयार किया जाएगा। तो लेबर स्ट्रेट कहां कैसे तैयार होता है, सेक्शन के बेस पे, लेबर स्ट्रेट। ये किस पे, किसके बेस पे होता है आपके, सेक्शन के बेस पे होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34 पे, लेबर स्ट्रेट टॉप सीट सहित, जो भी आपका लेबर स्ट्रेट रहेगा वो टॉप सीट के सहित किस कार्यालय को भेजा जाता है। तो लेबर स्ट्रेट जो होता है आपका टॉप सीट के साथ में ये आपको भेजा जाता है, अकाउंट में भेजा जाता है। कहां भेजा जाएगा, अकाउंट में भेजा जाएगा, लेबर एब्स्ट्रेक्ट विथ टॉप सीट। हो गए क्लियर सभी को। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग 35 पे। आपका क्वेश्चन, वह पदार्थ जो एक तैयार माल का एक भाग होता है, वह पदार्थ जो एक तैयार माल का एक भाग होता है उसे कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल। जो भी आपका फिनिश प्रोडक्ट होगा, जो भी आपका तैयार उत्पाद होगा, फिनिश प्रोडक्ट, वो आपका किसमें आता है, डायरेक्ट मटेरियल में। फिनिश प्रोडक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 पे, साफ प्रयोग, रख रखाव और मरम्मत के लिए, जो भी साफ प्रयोग के लिए रहेगा आपका फ्लोर पे, उसके हैंडलिंग के लिए, रख रखाव के लिए, मरम्मत के लिए जो भी पदार्थ उपयोग किए जाते हैं वो किसमें आएंगे, वो आता है आपका इनडायरेक्ट में। ये किसमें आ जाएगा आपका, इनडायरेक्ट में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आयुध निर्माणियों में स्टोर को वर्किंग स्टॉक के हिसाब से कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो कितनी श्रेणियों में बांटा गया है स्टोर को? दो श्रेणियों में बांटा गया है, टू ग्रुप्स में। ये जब हम लोग स्टोर पढ़ेंगे उसमें हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38 पे, गैर विनाशकारी जो भी रहेगा आपका, गैर विनाशकारी आयात सामग्रियों को के भंडारों को कितने महीने के आवश्यकता के हिसाब से तैयार किया जाता है? 38 पे, स्टॉक पाइल्स ऑफ नॉन पेरिसेबल इंपोर्ट मटेरियल शैल बी बिल्ट अप टू, कितने महीने के लिए होता है आपका? ये आपका होता है 6 मंथ्स के लिए, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 पे, इसी से रिलेटेड है आपका, गैर विनाशकारी स्वदेशी सामग्रियों के भंडारों के लिए जो भी आप स्टॉक पाइल्स तैयार करेंगे वो कितने महीने के लिए तैयार करेंगे? तो ये हो जाता है आपका 3 मंथ्स के लिए, ठीक ना। इसमें आप लोग लिख लीजिएगा जो 38 पे है, ये स्टॉक पाइल है, ये किसके लिए यूज होता है? ये इंपोर्टेड के लिए यूज होता है, ये इंपोर्टेड के लिए यूज होता है। और जो 3 मंथ्स है आपका 39 पे, ये किस आइटम के लिए होता है? इंडिजीनियस के लिए, ठीक ना। आपका 6 मंथ के लिए इंपोर्टेड मटेरियल होगा जो भी आयातित होगा, ठीक ना। और 3 मंथ्स के लिए कौन सा होगा आपका? इंडिजीनियस स्वदेशी आपका 3 मंथ्स के लिए रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट में है आपका 40 नंबर पे, स्टोरों के भंडारों का वित्त पोषण डेस वैसे किया जाता है, स्टॉक पाइल्स इंग्लिश इसका देखिए, स्टॉक पाइल्स पाइल रिजर्व्स ऑफ स्टोर आर फाइनेंस्ड फ्रॉम, तो स्टॉक पाइल का कौन सी पूंजी है आपका? जो भी स्टॉक पाइल है वो आपका किसके अंतर्गत आता है? कैपिटल के अंतर्गत आता है, ठीक ना। स्टॉक पाइल जो भी रहेगा आपका वो कैपिटल एसेट्स में आ जाता है, कैपिटल में, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41 पे, प्रत्येक भंडारित मदों की समीक्षा एक वर्ष में डेस बार की जाती है, इसका इंग्लिश है, ईच ऑफ द स्टॉक पाइल्ड आइटम इज जनरली रिव्यूड, कितना इसे कम से कम स्टॉक पाइल जो भी रहता है आपका उसकी समीक्षा साल में एक बार करनी रहती है, ठीक ना। तो ये कितना हो जाएगा? वर्ष में एक बार, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42 पे, 42 पे है आपका, भंडार मदों का लेखाकरण एक अलग लेजर में किया जाता है। ये पहले ही मैंने बताया आपको, जो भी स्टॉक इसी में स्टॉक पाइल जो भी रहेगा वो कौन सा आइटम का रहेगा? कैपिटलाइज, ठीक ना। तो इस 42 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? कैपिटल स्टोर लेजर, स्टॉक पाइल की एंट्री आप कहां करेंगे? कैपिटल स्टोर लेजर पे करेंगे, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट में आ जाते हैं 43 पे है आपका, भंडार वस्तुओं के लिए फैक्ट्रियों में डेस बिन कार्ड रखे जाते हैं, तो जो भी भंडार के लिए वस्तुएं रहेंगी, स्टोर करने के लिए जो भी आपका मटेरियल रहेगा या वस्तुएं रहेंगी, उन सभी के लिए आपका पृथक पृथक बिन कार्ड यूज करेंगे, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग बिन कार्ड यूज होगा आपका, ठीक ना। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेपरेट, प्रत्येक मटेरियल के लिए अलग अलग बिन कार्ड यूज किए जाते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट है आपका 44 पे, श्रमिक व्यय को एकत्र करने के लिए निम्नलिखित में से किसे छोड़ सभी प्राथमिक लागत लेखाकरण दस्तावेज हैं? ये 44 का
जो क्वेश्चन है ये आपका 2020 में कैंसिल हो गया था, ठीक ना। नेक्स्ट आ जाते हैं 45 पे। 45 पे है आपका औद्योगिक कर्मचारियों को उस समय के लिए भुगतान जिस दौरान उन्होंने कार्य नहीं किया है, ठीक ना, जिस दौरान उन्होंने कार्य नहीं किया है उसके लिए भुगतान किस वर्क ऑर्डर में बुक किया जाता है। जैसे आपका 2020 में कोरोना आया, उस समय फैक्ट्रियां मैक्सिमम बंद थी, सभी लोग वर्क फ्रॉम होम पे थे, ठीक ना। उस समय हम लोग का जो पेमेंट वगैरह था उसका भुगतान किस पे होता था, 01000110100, ठीक ना। ये कहलाता है आपका आइडियल पेमेंट, ठीक ना। जैसे यदि पावर गोल हो गया, पावर नहीं है उसके कारण मशीनें नहीं चल पा रही हैं, या कुछ अनैच्छिक घटना हो गई, जैसे आपका भूकंप हो गया, बाढ़ आ गई, उस कंडीशंस में जो पेमेंट किया जाता है वो किस पे किया जाता है, 01000110100, आइडियल टाइम बियॉन्ड पेमेंट कहते हैं इसे, ठीक ना। ये वर्क ऑर्डर में है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46 पे, औद्योगिक कर्मचारियों के लिए शनिवार को खाली स्थान घंटे नहीं किए गए कार्य के लिए भुगतान को शनिवार का बोनस कहा जाता है, ठीक ना। तो सभी को मालूम है कि जो हम लोगों की ड्यूटी रहती है वो कितनी रहती है, मंडे टू फ्राइडे, ठीक ना, विदाउट ओवरटाइम, ठीक ना। डेली कितनी रहती है, 8 आवर्स, 8 घंटे, ठीक ना। और सैटरडे कितनी हो जाती है आपकी, सैटरडे हो जाता है आपका 4.5 घंटे, सॉरी, ठीक ना, 4.5 घंटे सैटरडे को आपका ड्यूटी रहता है, ठीक ना। इसके अलावा यदि एक्स्ट्रा ओटी वगैरह चल रही है या 48 पे वर्क हो रहा है, ठीक ना, 48 मतलब शनिवार को भी आपने 8 घंटे वर्क किया, तो जो टाइम बचता है, ठीक ना, उसी को शनिवार का बोनस कहा जाता है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 3/1/4, ठीक ना। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 46 का, 46 आंसर आ जाएगा आपका 3/1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया 46 का 3/1/4, नेक्स्ट में आ जाते हैं। इसका आंसर भी मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया था। 47 का, औद्योगिक कर्मचारियों के लिए शनिवार को सामान्य घंटों का कार्य कितना रहता है, ये कितना रहता है हम लोगों का सैटरडे का, 4.5 घंटे, 4/3/4, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48 पे, काल्पनिक मजदूरी, काल्पनिक जो समय मजदूरी रहती है वो किसके लिए यूज होता है आपका, पीस वर्कर के लिए यूज होता है, ठीक ना, पीस वर्कर। काल्पनिक मजदूरी को क्या बोलते हैं, नोशनल टाइम वेजेस, ठीक ना। ये किसके लिए यूज होता है आपका, पीस वर्कर के लिए यूज होते हैं। 49 पे आते हैं हम लोग। 49 पे क्या है आपका, पीस कामगारों की संख्या बनाती है, ठीक ना। तो जो पीस वर्कर रहते हैं वो क्या क्या बनाते हैं,
एक तो इंडिविजुअल पीस वर्कर रहता है और दूसरा क्या रहता है आपका गैंग पीस वर्कर। तो पीस वर्करों की संख्या जो समूह रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गैंग। तो 49 पे क्या रहेगा आपका, गैंग पीस वर्कर, क्योंकि तो यहां पे समूह पूछा गया है, तो समूह में क्या जाएगा, गैंग, गैंग पीस वर्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50 पे, बुनियादी शोध लागत। बुनियादी शोध लागत को माना जाता है, क्या माना जाता है बुनियादी शोध लागत को, बेसिक रिसर्च कॉस्ट, ठीक ना, बुनियादी शोध लागत को बोला जाता है बेसिक रिसर्च कॉस्ट। नेक्स्ट में है आपको क्वेश्चन 51 पे, 01 01 ओब्लिक 000 11 00, ये किसका वर्क ऑर्डर है, हम लोग ये वर्क ऑर्डर में पढ़े थे, आइडियल टाइम बियॉन्ड पेमेंट, ठीक ना, आइडियल टाइम बियॉन्ड पेमेंट, नियंत्रण से परे निष्क्रिय समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52 पे, 01 000 13 00, ये किसका होता है, ये होता है जो ओल्ड आइज है, जो भी पुराने हैं, ओल्ड पेंशन में है, उनका जो भी ग्रेजुटी वगैरह है, रिटायरमेंट से संबंधित जो भी चीजें हैं, वो किसमें बुक होती हैं आपकी, 01 000। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 54 पे, 01 000 21 00। वर्क ऑर्डर जब मैं करवा रहा था उस समय आपको मैंने इसके लिए सबके लिए शॉर्ट टिक्स बताया था, ठीक ना, क्या था आपका शॉर्ट टिक्स में, 01 000 20 00, ये कहां से आप याद रखेंगे, 2020 में क्या आया, कोरोना आया, कोरोना आया तो सबसे ज्यादा जरूरत किसकी पड़ी, हॉस्पिटल्स की जरूरत पड़ी, ठीक ना, शॉर्ट में बता दे रहा हूं, बाकी आप डिटेल्स में भी आपको देखना है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, 01 000 01 100 20 00, ये किसके लिए है, फैक्ट्री डिस्पेंसरीज के लिए, ठीक ना, ये फैक्ट्री हॉस्पिटल्स के लिए हो जाता है, ठीक ना। इसके बाद में क्या है नेक्स्ट में आपका, 01 000 21 01 000 21, ये मैंने आपको बताया था किसके लिए होता है, ये आपका फैक्ट्री कैंटीन के लिए, ठीक। नेक्स्ट में है आपका 01 000 22, ये आपका आ जाता है LWF के लिए, ठीक है, ये आप डिटेल से जाके प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं शॉर्ट टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 55 के, क्या है क्वेश्चन आपका 55 पे, 01 001 00, ये आपका भी मैंने बताया था किसके लिए, ये आपका ये हो जाता है आपका फैक्ट्री डिस्पेंसरी या फिर फैक्ट्री हॉस्पिटल के लिए, ठीक ना। 56 पे आ जाते हैं, 56 पे क्या है आपका, 01 000 24 00, ये किसके लिए होता है आपका, ये होता है आपका फैक्ट्री स्कूल के लिए, ठीक ना।
फैक्ट्री स्कूल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 57 पे। 57 पे क्या है क्वेश्चन आपका, 01000400 01000400/00। इसमें क्या बुक होता है, वेतन और भत्ते, पे और पे एंड अलाउंसेस, ठीक ना, किसका, जियो और एनजीओ का। जियो और एनजीओ का जो भी पे होगा और अलाउंस होगा किसमें बुक होगा आपका, 01000/00 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 58 पे। 58 पे आपका क्या है, 01000/00, ठीक ना, ये किसका होता है, डिप्रिसिएशन ऑफ मशीन, डिप्रिसिएशन ऑफ मशीन 34, ठीक ना। इसका भी मैंने 5-6 वर्क ऑर्डर्स का एक ट्रिक बताया था आप लोगों को, आप लोग प्रीवियस क्लास में देख सकते हैं। 00031 ये किसके लिए हो गया, MCA, 32 MA, उसके बाद में कहाँ जॉब करेंगे आप, ऑफिस में, ऑफिस में क्या रहता है, फर्नीचर वगैरह रहते हैं, तो ये आ जाएगा आपका फर्नीचर का, ऑफिस फर्नीचर का। उसके बाद में 34 पे आ जाता है आपका डिप्रिसिएशन ऑफ मशीन, सीएसएन ऑफ मशीन, ठीक। इसके आगे कभी है आपका, नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में आप लोग जाके वहां पे देख सकते हैं। 58 हो गया आपका। 59 में है आपका 01000/17000, ठीक ना, ये किसके लिए होता है, मेंटेनेंस के लिए, जो भी आपका भवन है और रास्ते हैं उनके मेंटेनेंस के लिए यूज होता है, ठीक ना, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग एंड रोड्स, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स एंड रोड्स, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 60 पे।